नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुद्ध के 9 उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 2 सीटें जीती। शेकाप के तीसरे उम्मीदवार जयंती पाटिल को हार स्वीकार करनी पड़ी, जिन्हें प्रथम वरीयता के केवल 12 वोट मिले। कांग्रेस विधायकों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन न मिलने के कारण जयंती पाटिल हार गए। जयंती पाटिल ने विधान परिषद चुनाव में अपनी हार पर पहली प्रतिक्रिया दी है। पाटिल ने कहा कि अगर शरद पवार की पार्टी का एक भी वोट बट जाता है तो कांग्रेस मदद नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि जयंती पाटिल भविष्य में भी महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहेंगे। जयंती पाटिल आज शरद पवार से मिलने सिल्वर ओक के पहुंचे, हालांकि वे बीमार होने के कारण ज्यादा देर नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव घोड़ा बाजार बन गया है और हम नतीजों पर विचार करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह की राजनीति पहले नहीं थी। एनसीपी के 12 वोट मिले थे जिसमें से एक वोट बट गया। मेरे पास 14 वोट थे और मैं दूसरे नंबर पर चुना गया। जयंती पाटिल ने कहा कि एनसीपी की पार्टी टूट गई और कांग्रेस को दूसरी वरीयता की वोट नहीं मिले। जयंती पाटिल ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं और नाना पटोले से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारा रुख दृढ़ है और हम महाविकास आघाड़ी के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी में बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को खत्म करने के लिए नहीं बैठी हैं और हम अपनी ताकत जानते हैं। जयंती पाटिल ने यह भी कहा कि वे सिर्फ इसलिए काम करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि वे चुनाव हार गए। उन्होंने 25 साल तक विधायिका में काम किया है और कार्यकर्ताओं के सवाल उठाए हैं। जयंती पाटिल ने यह भी कहा कि उनकी हार पर विपक्ष और उनका सदन भी दुखी है। जयंती पाटिल ने कहा कि वे शरद पवार को धन्यवाद देते हैं जो उनके लिए खड़े रहे। दिन में 2-3 बार उनसे संपर्क होता था और कई बैठकें हुई। शरद पवार ने कहा कि वे धोखा देंगे और यह सच निकला। शरद पवार उनके लिए रात तक जागते थे। कांग्रेस की दूसरी प्राथमिकता हमारे साथ थी, लेकिन 3 से 4 राय अलग हो गई। अब हम किसी अजगर के चुंगल में नहीं फंसे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें बता दें कि हमने अपने जीवन में कई बार ऐसे अजगर देखे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।